अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बना रही हूँ जी कीमे वाली कचौड़ियाँ। तो इसमें देखें जी, कीमे में मैंने डाल दिया जी प्याज और सॉरी नमक मिर्च और हल्दी डाली है। अभी सिर्फ मैंने इसमें ये डाली है, उसके ऊपर प्याज लहसुन और अदरक डाल दिया था। 10 मिनट के लिए लगा दी थी इसको विसल। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया था जी खुले बर्तन में, मैंने कहा कढ़ाई में डाल के इसको बना लेती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाला है, सूखा धनिया डाला है पिसा हुआ, और साथ में गर्म मसाला 1 टीस्पून डाल दिया था। और उस सब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से अब इनको मैं भून लूँगी कीमे को। इसमें ऑयल बहुत कम डलता है और खड़ा मसाला मैंने इसमें साबुत भी डाला था, पिसा हुआ भी ऐड किया था। तो इसमें ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है, मसलन के समझ लीजिए ये आधा किलो कीमा है ना, तो मैंने इसमें अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, बस इतना डाला था। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, जिसमें है जी प्याज और साथ में बंद गोभी। ये डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था धीमी आँच पे 5 से 7 मिनट के लिए। उतनी देर देखे जी हम डो गूंद लेते हैं। यहाँ पे लिया जी मैंने फाइन मसलन के फ्लावर, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक और ऑयल। हाथ के साथ अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, तो ना ज़्यादा बहुत सख्त और ना ही ज़्यादा बहुत क्या कहते हैं ना नरम, आपने इसकी डो को गूंद लेना है। ठीक है, बस नॉर्मल हो आपकी डो, इतनी सख्त भी नहीं होनी चाहिए और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। बस इसके बना लेते हैं जब छोटे छोटे से पेड़े। इसको मैंने रेस्ट के लिए रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा कम से कम आप ज़रूर रेस्ट पे रखें। तो यहाँ पे देखें जी मैंने 2 टेबलस्पून लिए जी यही फ्लावर, इसको पानी के अंदर कर लिया मिक्स। और यहाँ पे देखें वेजिटेबल सॉफ्ट हो चुकी हैं। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। बस ये जो बैटर हमने बनाया ना मैदे वाला, इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और आधा 1 मिनट बस इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो हमने मैदा डाला ये कच्चा ना रह जाए। तो बस ये फिलिंग रेडी है। अब यहाँ पे देखें जी पेड़ों को हम बेल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से बेल के, तो यहाँ पे इसके ऊपर सिंपल हमने लगाना है जी घी। और इसके साथ बताते चलो, चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को करें जी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। पेड़े आपने देख ली है सिंपल, जो हम चौरस जो कहते हैं जिसे पराठा बनाते हैं ना चार कोनों वाला, वैसे मैंने इसके पेड़े किए थे। उसके बाद देखिए जी इसकी दोबारा ये वाली एक लेयर लग रही है, 2 दफ़ा इसका पेड़ा होगा, या फिर भी मैं आपको दिखाई जा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से कोनों को पकड़ के आपने इसको कर लेना है मिक्स, और जहाँ पे हम इसको बंद कर रहे हैं ना वो वाली लेयर आपने नीचे रखनी है। ठीक है, अब फिर भी मैं आपको, ये देखें जी यहाँ पे जो बंद किया वो नीचे है। अब हाथ से आपने, हाथ से इसमें मैदा अब आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना बेलन का यूज़ करना है। माशाल्लाह से इतना प्यारा सॉफ्ट हो चुका है ऑयल लगाने की वजह से, अंदर जो हमने घी लगाया हुआ है, तो खुद ही मसे कि इस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। हाथ की मदद से आप आसानी से ही आप सब करते जाएंगे। बस अच्छी तरह से आपने देख ली, मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपने इसको बंद कर लेना है, ताकि जब इसको हम फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। ये देखें जी, चले ऐसे ही करके आपने रेडी कर लेनी है। मैंने बस इतनी रेडी की थी जितनी मैं पहले कढ़ाई में डाल सकूँ, तो 3 मैंने फ़िलहाल अभी रेडी की हैं जिनको मैंने कहा मैं कढ़ाई में डालूँ, और 4 की थी लेकिन कढ़ाई में 3 मैंने डाली थी, क्योंकि मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ नहीं इनको बिल्कुल भी, हमने ज़्यादा ज़्यादा नहीं, क्या कहते हैं ना, इतना रश नहीं डाल देना कढ़ाई में, आराम से रखना है ताकि आराम से। और ये देखिए जी, ये वीडियो मैंने तेज़ की हुई थी, इसको आपको दिखाया है कि ये माशाल्लाह से ये किस तरह से इसका जो ऊपर लेयर बनी है। तो ये देखिए जी, अब इसको मैंने पलट दिया था फ़ौरन, आप इसको नहीं पलटना। और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी और क्या कहना चाहिए, मज़ेदार सी क्रंची सी मेरी कचौड़ियाँ रेडी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी अब मैंने खीर रेडी करने के लिए मैंने चावलों को रात को ही भिगो दिया हुआ था। ठीक है, तो इनको ये सॉफ्ट हो जाएंगे चावल अच्छी तरह से। इसके अंदर देखिए जी हम डाल रहे हैं जी 3 रस, बड़ी ही क्विकली, और ये 4 रस डाल दिए हमने कहने चाहिए ना, और बड़ी ही क्विकली और अच्छी मज़ेदार टेस्टी खीर बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दूध के अंदर मैंने सब्ज़ इलायची बस डाली हुई है, और बस इसी बैटर को इन चीज़ों को आपने खीर के अंदर कर देना है जी ऐड। सिंपल, आप जैसे खीर पकाते हैं वैसे ही इसको पकाना है, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना है, जिससे ये सब कुछ इसके अंदर ना कहते हैं ना मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर। जैसे वो हम लोग कहते हैं ना पंजाबी जबान में मदानी अंदर मारते हैं, खीर के अंदर चलाते हैं, तो आपने ऐसे ही, मैंने बीटर इलेक्ट्रिक चलाया था, वो वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि ये वीडियो मैं कब से मैंने बना के फ़ोन में रखी हुई थी। और इसके अंदर जी मैंने शुगर ऐड नहीं की, मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है, तो बड़ा ही अच्छा माशाल्लाह से बड़ा टेस्टी टेस्ट आया था। आप भी कभी गुड़ या शक्कर भी खीर में डाल के देखिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े की थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे देखिए जी, अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, और ये देख लें बबल्स माशाल्लाह से इसने, कहते हैं ना वो अपना आप छोड़ दिया है। और कहते हैं जब ये कोई भी मीठा वगैरह कुछ बनाना ना, वो किनारों से भी अलहदा हो जाती है, तो तब पता चल जाता है जी ये बिल्कुल डन है। वैसे प्लेट में भी डाल के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। थोड़ी सी मैंने बनाई थी पतीले में, आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ी सी बस ये बाउल में इतनी ही बनी हुई है।
तो जी बस चलते हैं जी अगली रेसिपी की तरफ। आगे मैंने बनाई थी जी चने, और चनों को मैंने रात को ही डिप कर दिया हुआ था, सफ़ेद चनों को। इसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाला हुआ था, और सिंपल मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाली थी, थोड़ी सी मैंने वो कहते हैं ना दूसरी वाली मिर्च, कौन सी बला कुटी हुई लाल मिर्च, बस डाल के मैंने सिंपल विसल लगा दी थी, और ये चने बिल्कुल डन हो गए थे। मैं ऐसे ही चने बनाती हूँ, हमारे घर में बहुत पसंद की जाते हैं, बहुत ही मज़े के चने बनते हैं। और कचौड़ी की देखें जी लुक माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची और मज़े की बनी हुई थी। इस टाइम पे मैंने आवाज़ ऊंची इसलिए नहीं की क्योंकि पीछे ना नाते लगी हुई हैं, तो बस मुझे डर था कहीं वो ना आ जाए, क्या कहना चाहिए, क्लेम ना आ जाए। फिर भी थोड़ा सा मैंने आवाज़ ऐड की है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, होममेड होममेड, यस होममेड। आई एम डूइंग करम भैया फिलहाल अभी। रानिया आप इधर आ जाओ क्योंकि अभी जो मैं चुड़ैल लग रही हूँ। अब ठीक है, ये कैसे बनी है? सही बनी है। लड़ा पावा तगड़ा पावा। लड़ा पावा, एमएल पावा। जिया पावा। एमएल पावा, पुष्टा पावा। हमें तेरा मुंह नहीं आता तेरे अच्छे। पावा, ये तो अच्छा पावा, मनु पावा, मनु सीडी पावा, मनु सीडी पावा। मज़ा की बनी है। दादा पापा ने खीर भी पाक दो ना। नहीं मैं पाक रहा हूं, आप पाक दो। हां दो वो फिर दे दे यार। मन्नू तेरी पावा तो उठते पावे। सारा कुछ नहीं ते बने है, मजा आ गया। वाह ऐसे ही होएगा, ऐसे ही होगा। टीवी किसने नहीं पकड़ना। हां मैं टीवी देख ले खाली खाली है। पैसे खर्चो टिक्की के साथ खीर। अल्लाह हू अकबर। दादी आप नहीं, आप भाई ये तो चावल और चावल कैसे खाते हो आप? मुझे चावल उसका कोविड नहीं ले सकते तो यार बिलाल तू सामने आए ना, एक तस्वीर लानी थी मैं नूना मीठा टेस्ट ऐसा ही फिर आपको कमेंट आते हैं लोग थोड़ा सा खाओ। बिलाल क्या है? हेलो बिलाल भैया, लव यू बिस्मिल्लाह। सही हो गया। क्या ही बात है यार। डैडी ये टिक्की हाथ ही फड़ोगे? मैं तस्वीर लानी है। ये बाजार नहीं नहीं प्लेट दे विच रख के फड़ो, वो छोटी प्लेट ही चाके फड़ो अपनी च। ये बाजार पूरी रखो पूरी। ये अगर हमने बाजार से लिया इतना डेढ़ सीधी साइड रखो, दूसरी साइड रखो, ऐसे साठ साठ के टिकिन पलटा लो, आपको पता लगना ना। ऐसा हो जाना जल्दी। और नहीं यार 200 रुपए दिए पाए ना पीछे से उठो, जल्दी से उठो, जल्दी से खादी खादी लिया नहीं जा रहा।
इसको आप देखो, आपको खाने को गया नहीं, वह जाए तो खाने जा गया ना। ओह शिट, मेरा भी यही हो रहा है। बस बिलाल दा ना खीर तो नहीं बगैर ले यार जा रहे हैं। तो बस जी, बस इजाज़त चाहती हूँ। आज का व्लॉग बस इतना ही था। अब कुतला इन सब ने खा लिया तो एंड पे आ गई है जी खाने के लिए, और यहाँ पे मैंने चाय ले आई हूँ, बस चाय एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।